शाहबाद के गांव मोहनपुर के सरकारी प्राथमिक स्कूल में पढ़ रहे बच्चे राम भरोसे स्कूल में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि 1 जुलाई से स्कूल में कोई भी अध्यापक नहीं है, सिर्फ एक चौकीदार है जो बच्चों की देखभाल कर रहा है। सुबह बच्चे स्कूल में आते हैं और सारा दिन खेल कूद कर वापस घर चले जाते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या हमारे नौनिहाल देश का भविष्य बनेंगे। सवाल ये भी है कि अब तक शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों ने इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया। सवाल ये भी है क्या ऐसा हो सकता है कि विभाग को इस पूरे मामले की जानकारी नहीं थी। फिलहाल इस बारे में शाहबाद खंड शिक्षा अधिकारी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, वहाँ पर एक टीचर अपॉइंट किया हुआ है लेकिन अगर वो छुट्टी पर है तो जल्दी वहाँ दूसरा टीचर अपॉइंट कर दिया जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारी ने ये भी कहा है कि अगर कोताही बरती गई तो कोताही बरतने वाले पर कार्रवाई की जाएगी। कर दिया है, बोले कौन से टीचर जो है वहाँ पे डिब्यूट कर दिया है, तो अच्छे वहाँ पे आज हमारे जो ऐसे भी जो मिड डे मील के टीचर हमारे यहाँ पे खुले हैं वो भी वहाँ पे गए हैं। और अगर कहीं भी कोताही रही, मेरे पास ऐसे ऑफिशियली कोई लेटर नहीं आई कि वहाँ पे कोई टीचर नहीं है या कैसे भी है, और जहाँ भी कोई कोताही रही है उसकी हम एक्सप्लेनेशन देंगे, पूछेंगे क्यों रहा है ऐसा। देखो मैं वही आपकी बात को दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, मेरे पास ऑफिशियली कोई लेटर नहीं आया कि वो छुट्टी पे है या क्या है। जहाँ भी कोई कमी रही छुट्टी, मेरे पास इन्फॉर्मेशन आती है कैसे भी है तो तुरंत ही इंतजाम हो जाता, मेरे नोटिस में आया तो हमने कर दिया। शाहबाद के गांव मोहनपुर के सरकारी प्राथमिक स्कूल में पढ़ रहे बच्चे राम भरोसे स्कूल में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि 1 जुलाई से स्कूल में कोई भी अध्यापक नहीं है, सिर्फ एक चौकीदार है जो बच्चों की देखभाल कर रहा है। सुबह बच्चे स्कूल में आते हैं और सारा दिन खेल कूद कर वापस घर चले जाते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या हमारे नौनिहाल देश का भविष्य बनेंगे। सवाल ये भी है कि अब तक शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों ने इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया। सवाल ये भी है क्या ऐसा हो सकता है कि विभाग को इस पूरे मामले की जानकारी नहीं थी। फिलहाल इस बारे में शाहबाद खंड शिक्षा अधिकारी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, वहाँ पर एक टीचर अपॉइंट किया हुआ है लेकिन अगर वो छुट्टी पर है तो जल्दी वहाँ दूसरा टीचर अपॉइंट कर दिया जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारी ने ये भी कहा है कि अगर कोताही बरती गई तो कोताही बरतने वाले पर कार्रवाई की जाएगी। बोले कौन से टीचर जो है वहाँ पे डिब्यूट कर दिया है, तो अच्छे वहाँ पे आज हमारे जो ऐसे भी जो मिड डे मील के टीचर हमारे यहाँ पे खुले हैं वो भी वहाँ पे गए हैं, ठीक है। और अगर कहीं भी कोताही रही, मेरे पास ऐसे ऑफिशियली कोई लेटर नहीं आई कि वहाँ पे कोई टीचर नहीं है या कैसे भी है, और जहाँ भी कोई कोताही रही है उसकी हम एक्सप्लेनेशन देंगे, पूछेंगे क्यों रहा है ऐसा। देखो मैं वही आपकी बात को दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, मेरे पास ऑफिशियली कोई लेटर नहीं आया कि वो छुट्टी पे है या क्या है। जहाँ भी कोई कमी रही छुट्टी, मेरे पास इन्फॉर्मेशन आती है कैसे भी है तो तुरंत ही इंतजाम हो जाता, मेरे नोटिस में आया तो हमने कर दिया।